हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर इससे लेकर आया है, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा उम्मीद है कि इस बार यूपी बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, जो कि है वीमेन इन मॉडर्न इंडिया या फिर द प्लेस ऑफ वीमेन इन इंडियन सोसाइटी। ये दो तरह से पूछा जा सकता है। तो हम देखते हैं, सबसे पहले हमने यहाँ पे इंट्रोडक्शन आपको बताया, मैन एंड वीमेन आर टू व्हील्स ऑफ द सोसाइटी कार, अर्थात पुरुष और महिलाएं समाज रूपी गाड़ी के दो पहिए हैं। पुरुष और महिलाएं समाज रूपी गाड़ी के दो पहिए हैं। विदाउट ईदर ऑफ द व्हील्स द सोसाइटी कार कैन नॉट मूव, अर्थात इनमें से किसी भी पहिए के बिना समाज रूपी गाड़ी नहीं चल सकती है। बोथ द व्हील्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर दिस कार, अर्थात इस गाड़ी के लिए, समाज रूपी गाड़ी के लिए दोनों पहिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। जितना पुरुष महत्वपूर्ण है समाज के लिए, उतना ही महिलाएं भी महत्वपूर्ण हैं। एंड बोथ आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स मूवमेंट, अर्थात इस समाज को चलाने के लिए पुरुष और महिलाएं दोनों ही समान रूप से जिम्मेदार हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग फ्रेंड्स हमारा है वीमेन इन एंशिएंट इंडिया, और जैसा कि हमारा एक चैप्टर है वुमेन्स एजुकेशन, और जिसको लिखा है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने, और उन्होंने एंशियंट टाइम में महिलाओं के बारे में बताया है कि इन एंशियंट इंडिया वीमेन हैड अ ग्रेट रिस्पेक्ट इन द सोसाइटी, अर्थात प्राचीन भारत में महिलाओं को समाज में बहुत ज्यादा सम्मान दिया जाता था, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दिया जाता था। दे कुड वर्शिप इन द टेम्पल्स, वे मंदिरों में पूजा पाठ कर सकती थी। स्टडी द वेदास, वेदों का अध्ययन कर सकती थी। एंड चांट द गायत्री मंत्र, और गायत्री मंत्र पढ़ सकती थी। अर्थात प्राचीन समय में महिलाओं को बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट दिया जाता था और उन्हें पूरी छूट थी। दे कुड वर्शिप इन द टेम्पल्स, अर्थात वो मंदिरों में पूजा पाठ कर सकती थी। स्टडी द वेदास, वेदों को पढ़ सकती थी। एंड चांट द गायत्री मंत्र, और गायत्री मंत्र को भी पढ़ सकती थी। तो फ्रेंड्स, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट हेडिंग है वुमेन इन मिडिल एज, अर्थात मिडिल एज में महिलाओं की क्या स्थिति थी, इसके बारे में हमने आपको बताया है। इन द मिडिल एजेस, अर्थात मिडिल एज में वीमेन बिकेम डिपेंडेंट अपॉन मैन, महिलाएं पुरुष पर निर्भर हो गई, डिपेंडेंट हो गई। दे वर ट्रीटेड एज स्लेव्स, अर्थात उनसे गुलामों की तरह व्यवहार किया जाता था। बिकॉज इन दिस पीरियड आवर सिविलाइजेशन केम इन द ग्रिप ऑफ फॉरेन रूलर्स, बिकॉज इन दिस पीरियड, क्योंकि इस दौरान, इस समय में आवर सिविलाइजेशन, हमारी सभ्यता केम इन द ग्रिप ऑफ फॉरेन रूलर्स, अर्थात विदेशी शासकों के हाथ में आ गई थी। दे वर ट्रीटेड एज स्लेव्स, उनसे गुलामों की तरह व्यवहार किया जाता था, और इसका रीजन क्या था? बिकॉज इन दिस पीरियड आवर सिविलाइजेशन केम इन द ग्रिप ऑफ फॉरेन रूलर्स, क्योंकि इस दौरान हमारी सभ्यता अंग्रेजी शासकों के हाथ में आ गई थी, उनकी ग्रिप यानी पकड़ में आ गई थी। इन दिस पीरियड दे वर नॉट अलाउड टू मूव फ्रीली, अर्थात इस मिडिल एज में उन्हें कहीं भी आज़ादी से आने जाने की अनुमति नहीं थी। वर्क इंडिपेंडेंटली, और आज़ादी से काम करने की अनुमति नहीं थी। एंड स्टडी द ग्रेट क्लासिक्स, और हमारे महान ग्रंथों का अध्ययन करने की भी अनुमति नहीं थी मिडिल एज में। अब इसके बाद हम देखते हैं फ्रेंड्स मॉडर्न एज में, वीमेन इन मॉडर्न इंडिया, आधुनिक युग में, मॉडर्न एज में महिलाओं की क्या स्थिति है। आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ द कंट्री, अर्थात देश की आजादी के बाद, आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ द कंट्री द सिचुएशन हैज कंप्लीटली चेंज्ड, अर्थात आजादी के बाद, हमारे देश की आजादी के बाद स्थिति पूरी तरह से बदल गई है। अब ये महिलाओं की सिचुएशन पूरी तरह से बदल गई है। Women have regained their ancient prestige, अर्थात महिलाओं ने अपने सम्मान को पुनः प्राप्त किया है। जैसा कि ancient time में उन्हें सम्मान मिलता था, उसी सम्मान को modern time में, इस समय में, उन्होंने फिर से प्राप्त कर लिया है। Mrs. Sarojini Naidu became the governor of Uttar Pradesh, अर्थात सरोजनी नायडू उत्तर प्रदेश की गवर्नर बनी। Afterwards, she worked as the Prime Minister of our country. और इसके बाद वो हमारे देश की प्रधानमंत्री भी बनी, प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने काम किया। तो इससे क्लियर है फ्रेंड्स कि मॉडर्न टाइम में महिलाओं को पूरी आज़ादी मिल चुकी है, और वे हर क्षेत्र में
आगे बढ़ रही है। यहाँ तक कि जो सबसे बड़ा पोस्ट, सबसे बड़ा पदवी जो होता है हमारा, वो राष्ट्रपति का है देश के, और प्रतिभा पाटिल हमारे देश की राष्ट्रपति भी रह चुकी है जो कि एक महिला है। फ्रेंड्स, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट हेडिंग है एजुकेशन अमंग वीमेन, अर्थात महिलाओं में शिक्षा। तो इसमें हमने आपको बताया कि इन मॉडर्न इंडिया वीमेन आर गेटिंग एजुकेशन इन अ लार्ज नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशंस, अर्थात मॉडर्न इंडिया में महिलाएं अनेक प्रकार के अनेक संस्थाओं में शिक्षा प्राप्त कर रही है। इन मॉडर्न इंडिया वीमेन आर गेटिंग एजुकेशन इन अ लार्ज नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशंस, अर्थात मॉडर्न इंडिया में महिलाएं अनेक शिक्षण संस्थाओं में शिक्षा प्राप्त कर रही है। द नंबर ऑफ स्कूल गोइंग गर्ल्स इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, अर्थात स्कूल जाने वाली लड़कियों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। स्कूल जाने वाली लड़कियों की संख्या दिन पर दिन बढ़ रही है। देयर आर अ लॉट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट स्पेशली फॉर गर्ल्स एवरीवेयर, अर्थात चारों तरफ ऐसे बहुत से शिक्षण संस्थान हैं जो स्पेशली केवल गर्ल्स के लिए हैं। तो इससे क्लियर है फ्रेंड्स, शिक्षा के क्षेत्र में महिलाएं आजकल बहुत ही आगे हैं। तो हमारा नेक्स्ट हेडिंग है वीमेन इन गवर्नमेंट सर्विसेज, और इसमें हमने आपको बताया कि नाउ द वीमेन आर वर्किंग नॉट ओनली एज सोशल वर्कर्स बट ऑल्सो एज एडमिनिस्ट्रेटर्स, अर्थात आजकल महिलाएं केवल सामाजिक कार्य ही नहीं बल्कि प्रशासनिक कार्य भी कर रही हैं, प्रशासन के क्षेत्र में भी काम कर रही हैं। Even in police department, the women are working as responsible and duty-full officers. और यहाँ तक कि पुलिस विभाग में या फिर आर्मी में भी महिलाएं एक जिम्मेदार और कर्तव्यपूर्ण ऑफिसर बनकर काम कर रही हैं, ऑफिसर के रूप में काम कर रही हैं। फ्रेंड्स, हमारा लास्ट हेडिंग है इसमें कंक्लूजन, और जिसमें हमने लिखा कि दस इट्स एविडेंट, इस प्रकार या स्पष्ट है that the role of women in our society is very important, कि हमारे समाज में महिलाओं की एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि हमारे समाज में महिलाओं की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। None can ignore or neglect them, अब उन्हें कोई भी इग्नोर या फिर neglect नहीं कर सकता है। A revolution has taken place in the position of women in society, अर्थात इस मॉडर्न इंडिया में समाज में महिलाओं की स्थिति में एक रिवॉल्यूशन, एक क्रांति आ चुकी है। नाउ एवरीवन एग्रीज विद दीज फॉलोइंग वर्ड्स ऑफ राधा कृष्णन, यानी कि अब सभी लोग राधा कृष्णन की इन बातों से एग्री करते हैं। दैट गिव अस गुड वीमेन वी विल हैव अ ग्रेट सिविलाइजेशन, अर्थात हमें अच्छी महिलाएं दो और हमारी सभ्यता महान होगी। अगर हमारे देश की महिलाएं अच्छी होंगी तो हमारी सभ्यता महान होगी। Give us good mothers, हमें अच्छी माँ दो, we will have a great nation, और हमारा राष्ट्र महान होगा। अर्थात अगर महिलाएं अच्छी होंगी तो उससे हमारी सभ्यता महान होगी, और अगर हमारे देश की माँ अच्छी होंगी तो हमारा पूरा देश ही महान होगा। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमने आपको इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर इससे बताया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आप आसानी से इससे लिख सकते हैं अगर ये बोर्ड एग्जाम में आ गया तो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन दबाने के बाद ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें, और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।